हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका विशाल चौधरी फिटनेस चैनल में। मैं हूँ आपका भाई विशाल चौधरी। तो कई मेरे भाई परेशान रहते हैं कि उनकी चेस्ट ग्रो नहीं हो रही है, जो बिगिनर भाई है या थोड़ा बहुत टाइम हो चुका है इंटरमीडिएट के, भी अपनी चेस्ट से या शेप अच्छी नहीं आ रही, ठीक है, या फिर उनकी चेस्ट ग्रो नहीं कर रही, ठीक है। तो मैं आज कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा आपको, हैक्स बताऊँगा जो चेस्ट आपकी ग्रो कर सके, ठीक है। मैंने ये चीज़ पहले ही बताई अपनी एक शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। जो हम पुशअप्स लगाते हैं वो हम सिर्फ वार्म अप के लिए नहीं लगाएंगे, हम अपना सेट पहले भी लगाएंगे वार्म अप से, अपनी एक्सरसाइज से पहले वार्म अप के लिए, और पूरी एक्सरसाइज खत्म होने के बाद बाद में भी पुशअप्स लगाएंगे फेलियर 3 सेट, चाहे आप कैसा भी वर्कआउट कर रहे हो चेस्ट का, ठीक है। उसके बाद हम पुशअप्स लगाएंगे 3 सेट अपने फेल होने चाहिए अपने पूरे वर्कआउट के बाद। बहुत ही अच्छी ट्रिक है, और हफ्ते में कम से कम मैंने आपको डेली बताया है कि चिन अप और पुशअप्स डेली लगाओ, ठीक है। तो 2 सेट, 1-1 सेट डेली लगाओ अपने किसी भी वर्कआउट से पहले वार्म अप के लिए, उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यानी कि चेस्ट की और बैक की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो अपनी प्लेन बेंच की है, मैं प्लेन बेंच कुछ है कि हाँ आपकी चेस्ट ग्रो करने में जो आप गलत करते हो, जो आप गलत तरीके से लेते हो प्लेन बेंच प्रेस अपनी, तो मैं आपको सही तरीका बताऊंगा कैसे लेनी है। देखो, तो ये प्लेन बेंच है, हम अपनी पोजिशन देखेंगे पहले। कहीं भाई ऐसे करते हैं कि सीधे लेट जाएंगे, ऐसे रख लेंगे पैर को, ठीक है, ऐसे रख लेंगे, ठीक है, ऐसे रख लेंगे ऊपर। ये गलत है, ये चीज़ गलत है। पोजीशन देखो मेरी, पोजीशन देखेंगे मेरी, यहाँ पर रखेंगे पैर, पीछे जाएंगे, यहाँ पे निकल गए पीछे की तरफ और फिर आगे आएंगे, आर्क बनाएंगे, ये अपनी कमर का एक आर्क बन जाएगा यहाँ पे ऐसे। ये देखो, अपने पैरों को जमीन की तरफ पुश करना है, ये टाइट रहेंगे, पैर भी खुली है, ये टाइट होने चाहिए, पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, ये गए, ये आ गया, ठीक है, ये उठाया, नीचे लाए गर्दन नीचे सीधी, ये आप, ठीक है। भाई भाई ऐसे करते हैं सीधा, ये सीधा खोल दें, नहीं ऐसे नहीं करना, सिर्फ इतने, ठीक है, पूरे हाथ नहीं खोल लें, सिर्फ इतने नीचे लाएंगे, और यहाँ पे बस यहाँ पे सीधे नहीं करने, यहाँ पे रुक जाना है, ये ठीक है, ये पैर देखो मेरे, पैर टाइट है, आर्क बना हुआ है, ठीक है, ये आर्क आपका बना रहना चाहिए। प्लेन बेंच करने का ये सही तरीका है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप पैर ऊपर रख लोगे या सीधे लेट जाओगे, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। ये आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट को ग्रो करने के लिए। जब भी आप रूटीन आपका अगर होगा प्लेन बेंच का, तो 3 से 4 सेट लगाएं, ठीक है, रेपिटेशन होगी, कोई मसल बिल्डिंग कर रहा है उसकी रेपिटेशन होगी 8-10-12, ठीक है। आप लाइट वेट से शुरू करके पहला सेट अपना वार्म अप ले सकते हो, 15 से ऊपर जा सकते हो लाइट वेट से, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बाकी चेस्ट रूटीन मैंने पीछे डाला हुआ है, आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। और एक और चीज़, आपकी जो चेस्ट की स्ट्रेंथ लगती है वो शोल्डर से लगती है हमारे, ठीक है, तो अपने शोल्डर को भी ट्रेन करना ज़रूरी है टाइम पे, ठीक है। अपने फ्रंट शोल्डर को ज़्यादा ट्रेन करो, कंपाउंड एक्सरसाइज करो, यानी फ्रंट मिलिट्री प्रेस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है, वो हमारी चेस्ट की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो अगर बात अच्छी लगी हो मेरी, ठीक है, ऐसे ही कुछ नई नई रोज़ रोज़ ट्रिक बताता रहूँगा आपको मसल गेनिंग की, तो बात अच्छी लगी हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, थैंक यू।